बैजू बावरा की कामयाबी ने मीना कुमारी को दिलवाया फिल्म फेयर का पहला अवार्ड। वो पहली एक्ट्रेस थी जिन्हें ये अवार्ड मिला था। और इसके बाद मीना कुमारी ने एक से एक बढ़कर हिट फिल्में दी, कमर्शियली भी सक्सेसफुल स्टार थी मीना कुमारी। परिणीता, दिल अपना और प्रीत पराई, श्रद्धा, आजाद, कोहिनूर, और सन 1962 में एक रिकॉर्ड बन गया। क्या रिकॉर्ड? बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में तीन फिल्में थी, आरती, मैं चुप रहूंगी और साहब बीबी और गुलाम। और बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में तीनों नाम मीना कुमारी के थे। ये रिकॉर्ड आज तक कभी नहीं, ये कभी नहीं। मीना कुमारी की कामयाबी का ये दौर चलता रहा। दिल एक मंदिर, क्या खूबसूरत है, सुपर डुपर हिट। हाँ जी, सुपर डुपर हिट फिल्म। ये हमारे जो भारतीय शास्त्रीय राग रागनियों की जब चर्चा करते हैं, ये राग जोगिया की झलक इसमें मिलती है। राग जोगिया है, पंडित स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी ने बहुत खूबसूरती के साथ इस राग को गाया है। 1960 के दशक में मीना कुमारी बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी, लेकिन मीना कुमारी ने ये नहीं सोचा था कि ये स्टारडम और ये फेम उन्हें अलग कर देगी पति से। एक बार सोहराब मोदी ने अपनी फिल्म के प्रीमियर पर मीना कुमारी और कमाल अमरोही को इनवाइट किया। प्रीमियर में चीफ गेस्ट थे महाराष्ट्र के गवर्नर, राज्यपाल। राज्यपाल से परिचय करवाते हुए सोहराब मोदी साहब ने कहा, ये मीना कुमारी हैं, बेहतरीन अदाकारा, हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी स्टार, और ये इनके पति हैं कमाल अमरोही। देखिए आप, इस बात से कमाल अमरोही इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने सबके सामने गवर्नर से कह दिया कि जनाब, मैं कमाल अमरोही हूं और ये मेरी बीवी मीना कुमारी है, और ये कहकर वहां से फंक्शन से ही निकल लिए। आप देख सकते हैं ये फ्रस्ट्रेशन, ये कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं, ये अभी शुरुआत थी रिश्तों के टूटने की। बात कड़वाहट बढ़ती ही चली गई और इतनी बढ़ गई कि कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से फिल्मों में काम करने से मना कर दिया। मीना कुमारी को कहा, तुम फिल्मों में काम नहीं करोगी। मीना ने कहा, वो ऐसा नहीं कर सकती। तब कमाल ने तीन शर्तें रख दी। शर्त नंबर 1, शूटिंग से 6:30 बजे वापस लौट कर आना होगा। 2, उनके मेकअप रूम में मेकअप मैन के अलावा किसी और दूसरे आदमी की एंट्री नहीं होगी। 3, वो सिर्फ अपनी कार में सफर करेंगी और शूटिंग खत्म होते ही सीधे घर लौट आएंगे। ये तो जेल हो गया। आप फिल्म की, जो आपकी बीवी फिल्म में काम करती है, उसके ऊपर अगर इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे तो जेल खाना हो जाएगा। लेकिन आप मीना कुमारी को देखिए, वो कितना प्रेम करती थी अपने पति को। भारतीय नारी थी ना, नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, ये इंडियन औरत की ये खास बात है यार। मीना कुमारी ने तीनों शर्तें मंजूर कर ली पति की। दोनों के बीच इस तरह की हालात होने के बावजूद, जब कमाल अमरोही पाकीजा बना रहे थे तो फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, तो मीना कुमारी ने अपनी सारी कमाई अपने पति को दे दी। और क्या चाहिए यार, इसी फिल्म मेकिंग के दौरान दोनों के संबंध इतने खराब हो गए कि ट्रेजेडी का सामना करना ही पड़ा और हो गई तलाक। मीना कुमारी के पास पैसे भी नहीं थे और अब शौहर भी नहीं रहा। बहुत डिस्टर्ब हो गई, रातों की नींद लुट गई। उनके डॉक्टर थे डॉक्टर सईद तैमूर रजा, डॉक्टर साहब को मजबूरन प्रिस्क्राइब करना पड़ा कि आप नींद लाने के लिए एक पैग ब्रांडी का ले सकती हैं, और यही एक पैग बाद में मीना कुमारी की आदत बन गया। 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, और मीना कुमारी धीरे धीरे अल्कोहलिक होती चली गई। इसी बीच पाकीजा बंद हो गई, पड़ी रही डब्बों में। एक दिन मीना कुमारी के दोस्त सुनील दत्त और उनकी धर्मपत्नी नरगिस ने ये रशिस देखे, तब उन्हें लगा इस शानदार शाहकार को इस दुनिया के सामने आना चाहिए। उन्होंने मीना कुमारी और कमाल अमरोही को इंसिस्ट किया कि वो किसी भी तरह से इस फिल्म को पूरा करें। और इसलिए जब दोनों की मुलाकात करवाई तो सुनते हैं कि ये मुलाकात तलाक के बाद हुई पहली मुलाकात थी
शब्द कम थे, दोनों एक कुर्सी के पास अगल बगल बैठे हुए थे और देखने वालों ने यह कहा है कि पूरे रशिस देखने के दौरान मीना कुमारी जारो कतार रोती रही थी कमाल अमरोही का हाथ पकड़े हुए। खैर दोनों ने यह फैसला किया कि फिल्म को पूरा करेंगे। 14 साल के बाद यह फिल्म 4 फरवरी 1972 को पर्दे पर आई, रिलीज हुई। लेकिन तब तक मीना कुमारी की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी, रोग असाध्य हो चुका था। इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। अब मीना कुमारी की जिंदगी का दर्द असल में खुदावंद ताला ने दवा के तौर पर तजवीज कर दिया था और 31 मार्च 1972 का वो दिन शायद भुलाए नहीं भूलता है। साइरोसिस ऑफ लिवर के कारण हिंदुस्तान की ये मशहूर और मारूफ अदाकारा, ये बेहतरीन शायरा, एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी रगों में 3 भारत के मुख्य धर्मों का समावेश था। मैं गुजरे हुए शो में आपको बता चुका हूं कि मीना कुमारी का क्या संबंध था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई की शादी हुई थी सुंदरी देवी से। सुंदरी देवी के पति का निधन होने के बाद टैगोर परिवार ने विधवा को अपने घर नहीं रखा। सुंदरी देवी स्ट्रगल करते हुए पहुंच गई लखनऊ और वहां पे बन गई नर्स। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई प्यारे लाल शाकिर नाम के एक व्यक्ति से जो धर्म से क्रिश्चियन थे। इंटरव्यू लेने आए थे, जर्नलिस्ट थे, और कह सकते हैं कि प्यारे लाल शाकिर हमारे इस देश के पहले उर्दू के जर्नलिस्ट थे। प्यारे लाल शाकिर और सुंदरी देवी के बीच में अंतरंगता बढ़ी और दोनों ने एक पॉइंट के ऊपर शादी कर ली। प्यारे लाल शाकिर और सुंदरी देवी के संतानें हुई। इन संतानों में से एक संतान का नाम था प्रभावती। गरीबी अभी भी जारी थी, स्ट्रगल अभी भी जारी था। प्रभावती काम की तलाश में आ गई बंबई शहर और एक नाटक कंपनी में काम करने लगी। यहीं पे काम करते हुए एक हारमोनियम बजाने वाले कलाकार अली बख्श से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात अंतरंगता में बदली, दोनों में प्यार हो गया और अली बख्श ने प्रभावती के साथ शादी कर ली और निकाह के बाद प्रभावती का नाम रख दिया गया इकबाल बेगम। इकबाल बेगम और अली बख्श के मिलन से संतानें पैदा हुईं। उनमें से एक पुत्री का नाम था महजबीन, जिसे सारा हिंदुस्तान मीना कुमारी के नाम से जानता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस महान अदाकारा, इस महान शायरा, महान हस्ती की याद में आज हमने खराज अकीदत के तौर पर ये शो, ये महफिल आपके सामने रखी। मीना कुमारी जी की आत्मा को श्रद्धांजलि हो, सदगति मिले, इसी प्रार्थना के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।